वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। ये ITI की बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है IT साक्षरता। इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य हमने लिए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लिटरेसी। कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, गणना करने वाला। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें डाटा प्राप्त, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, इस डिवाइस द्वारा प्राप्त डाटा का प्रयोग करते हुए किसी प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार गणितीय, तार्किक अथवा मैनुपुलेट क्रियाओं को करते हुए सूचना को विभिन्न इच्छित रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनपुट इकाई क्या होती है? इनपुट उपकरणों का कार्य यह है कि हम अपनी भाषा में उन्हें जो भी डाटा या आदेश देते हैं, इसे बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर CPU में भेज देता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल रीडर आदि इनपुट साधन हैं। इनपुट मतलब जो हम कमांड कंप्यूटर में जिसके द्वारा भेजते हैं। आउटपुट इकाई कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को, जो बाइनरी कोड में होते हैं, हमारे लिए उचित संकेत या भाषा तथा चित्र में बदलकर हमें उपलब्ध कराते हैं। उन्हीं उपकरणों को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग CPU, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर के लिए जाने वाले सभी काम सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट CPU द्वारा ही किए जाते हैं। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट 2 महत्वपूर्ण भागों ALU एवं कंट्रोल यूनिट से मिलकर बनती है। मेमोरी इकाई कंप्यूटर का वह भाग है, डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटरों की मूल कार्यों में से एक, अर्थात सूचना स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा स्पर्श कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रिकल भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से ही जाने जाते हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को रैम एवं रोम भागों में बांटा जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी या मेमोरी CPU से बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, जैसे पेन ड्राइव। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। सॉफ्टवेयर को उसके कार्यों तथा संरचना के आधार पर 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। सॉफ्टवेयर को नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अन्य सभी प्रोग्रामों को कंप्यूटर में क्रियान्वित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का संचालन करता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सफल संचालन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, इसके प्रमुख कार्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रोसेसिंग प्रबंध, नंबर 2 मेमोरी प्रबंध, नंबर 3 इनपुट आउटपुट प्रबंध, नंबर 4 फाइल प्रबंध। नेक्स्ट, यूजर इंटरफेस किसी कंप्यूटर सिस्टम एवं यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया यूजर इंटरफेस कहलाती है। यूजर इंटरफेस को ऐसी साधनों की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर किए गए शोधन कार्य का परिणाम है।
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर किए गए शोध कार्यों का परिणाम है। आजकल लगभग सभी IBM एवं इसके समतुल्य पर्सनल कंप्यूटरों पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। नेक्स्ट फाइल और फोल्डर। फाइल सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर डाटा एवं संग्रह होता है। विंडो में फाइलें डाटा स्टोर करने के लिए बुनियादी इकाई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड बोलते हैं जिसे, यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के टूल पाए जाते हैं जो 45 KB से कम साइज के डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग करने, इसमें एडिटिंग करने आदि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट नया डॉक्यूमेंट बनाना, जिसे हम कंट्रोल एन से निकालते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसी एक विधि का प्रयोग करें। नंबर एक, फाइल मेनू में सीधा फाइल मेन्यू में जाकर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। नंबर दो, टूल बार में न्यू बटन पर क्लिक करें। नंबर तीन, कीबोर्ड के से कंट्रोल एन की ज्वाइन करें।